सभी किसान भाइयों को हमारा नमस्कार और आप सभी किसान भाई बंधुओं का नंबर वन खेतीबाड़ी यूट्यूब चैनल की एक और नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाई, अगर आप खेती करने के साथ साथ कोई साइड बिजनेस करके अपने इनकम को दुगना करना चाहते हैं तो आज की यह वीडियो आप लोगों को बहुत ही धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को एक ऐसी मशीन दिखाने वाले हैं जिसमें आप बहुत ही कम जगह में बहुत ही कम पैसा लगाकर एक अच्छा खासा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। वो कौन सा बिजनेस है इसके बारे में कंप्लीट जानकारी लेंगे सर से। तो नमस्कार सर। नमस्कार। जो सामने से किसान भाई आपको और हमको देख रहे हैं उन्हें अपना एक छोटा सा परिचय बताएं। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है राहुल छिब्बर, मेरे छोटे भाई सर पादुल जी, हम दोनों भाई पंजाब में बठिंडा से अगला स्टेशन है कोटकपूरा, वहाँ पे हमारी कंपनी है छिब्बर एग्री इक्विपमेंट्स के नाम पे जी। हम आपके लिए नए नए किस्म के कृषि उपकरण लेके आते हैं, लेकिन आज इस वीडियो में मैं एक आपके लिए ऐसा बिजनेस आइडिया लेके आया हूँ जिससे बहुत ही कम खर्चे पे और बहुत ही कम जगह में, हार्डली 3 फीट बाय 3 फीट की जगह में आप ये मशीन लगा के अपना खुद का व्यवसाय बना सकते हैं, खुद का ब्रांड बना सकते हैं जी, और दिन के हजारों रुपया प्रॉफिट आप कमा सकते हैं जी। इस मशीन के बारे में सर और जानकारी देना हमारे किसान भाइयों को, ये कैसे ऑपरेट होती है और इससे कौन कौन से प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं। दोस्तों, ये जो मशीन है इसको कॉर्न एक्सट्रूडर या स्नैक्स मेकिंग मशीन कहा जाता है जी सर। ये जो मशीन है जी, नॉर्मली आपने देखा होगा अगर हमारे घर पे कोई बच्चे हैं या कभी कोई रिश्तेदार आ गया, हम क्या कहते हैं बाजार से स्नैक्स लाके उनको खिला देते हैं जी। अब जब स्नैक्स आते हैं या बच्चे ही कई बार चिप्स लेके आते हैं या कोई पैकेट लेके आते हैं तो हमें उसमें क्वालिटी का नहीं पता होता है कि क्या उसमें मिलावट है, कैसे तेल में वो तला गया है। तो ये जो मशीन हमने पेश की है आज आपके चैनल पे, भारत में पहली बार छिब्बर एग्री इक्विपमेंट आज आपके चैनल पे लॉन्च करने जा रहा है जी सर। ये मशीन में जो स्नैक्स बन के आएंगे दोस्तों, बिल्कुल तेल के बिना, ऑयल फ्री सर, एक बूंद भी तेल इसमें यूज नहीं किया जाएगा जी सर। लाइव डेमो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे चल रहा है जी। ये मशीन 9 HP के डीजल इंजन के साथ में चल रही है जी जी। अकेला आपने ऊपर ये जो मटेरियल डालना है जी जी, इसमें आपने दलिया डालना है वो भी हल्का सा रोस्ट किया हुआ जी, चाहे आप इसमें गेहूं डालिए, मक्का डालिए, मतलब किसान जिस भी फ्लेवर में इसे अगर लेना चाहता है वो मटेरियल यहाँ पे डालेगा और सामने से वैसे ही निकलेगा। बिल्कुल सर, वैसा निकलेगा, आप अपनी टेस्ट के हिसाब से मसाले फ्लेवर डाल सकते हैं। ये तो अभी आप डेमो देख रहे हैं एक टाइप का, जिसके साथ दोस्तों आपको 16 अलग अलग किस्म की डाइज मिलने वाली है। 16 तरह की डाई मिलने वाली है, एक ही मशीन के साथ आप 16 अलग अलग किस्म के स्नैक्स बना सकते हैं। सर वो डाइयां लगेगी कैसे, यहाँ से खोल के लगेंगी? सर डाई लगाने के लिए कुछ नहीं आपको करना है, यहाँ से ये रोलर आपने खोला जी, और इसके अंदर जो डाई आपको बिठानी है वो डाई आपने बिठा दी जी सर, और इसको वापस यहीं पे आपने कर देना है, उस तरह का प्रोडक्ट निकलना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल सर। तो किसान भाई, यह मशीन आप लोगों के लिए बहुत ही वरदान साबित होने वाली है, क्योंकि आप बहुत ही कम पैसा लगाकर मार्केट से तरह तरह के प्रोडक्ट्स इससे बना सकते हैं। सर इसका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सर इसको ऑपरेट करने के लिए कुछ भी नहीं है, जैसे ये दो मॉडल हमने तैयार किए हैं, चाहे आप डीजल मॉडल लें या इलेक्ट्रिक मॉडल लें जी, ये जब मशीन चलती है जी, तो आगे की साइड पे ये जो इसका है ये हीटर सिस्टम लगा हुआ है जी, यहाँ से ये हीटर गर्म होता है जी, गर्म होके ऊपर से जो हमने मटेरियल डाला है जी, वो जब बीच में जाएगा जी, तो हीट के साथ वो बेक होगा और फूल के आगे बाहर आना यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा जी जी। यहाँ पे आप ब्लेड लगा सकते हैं, ब्लेड से आप उसको लंबा रखना चाहें या कटिंग करना चाहें वो, मतलब जिस भी साइज का रखना चाहें वहाँ पे लगा सकते हैं, वहाँ पे ब्लेड लगा सकते हैं, वो ब्लेड भी आपको साथ में ही मिलेंगे जी। जैसा कि सर मैं देख पा रहा हूँ मटेरियल बिल्कुल सूखा है, तो क्या ऐसे सूखा ही डालना पड़ेगा? सर बिल्कुल, आपने कुछ नहीं करना है, ऐसे हल्का सा सूखा, बिल्कुल सूखा मटेरियल आपने डालना है जी जी, बस मटेरियल को आपने हल्का सा रोस्ट कर लेना है, चाहे आप उसको तवे पे रख के या जैसे हल्का सा गर्म कर ले जी जी, जिसमें उसकी किसी प्रकार की नमी होगी तो वो उसकी खत्म हो जाएगी जी। मतलब इसमें और किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट नहीं है, मटेरियल डालना है, सामने से प्रोडक्ट निकालना है, सर प्रोडक्ट निकालना है, और साथ में मेन जो खास बात ये है जो आपका मटेरियल आउटपुट निकलेगा उसको भी दोबारा आपको कोई तलने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपने उसको पैकेट में डालना है जी सर, वहाँ पे बच्चों को ताजा खिलाना है ताजा खिलाइए या पैकेजिंग करके मार्केट में आप जी सर। ये तो उन किसान भाइयों के लिए या उन बेरोजगारों के लिए बहुत ही वरदान साबित होने वाला है जो की गाँव में घूम घूम के अन्य तरीके की चीजें बेचना पसंद करते हैं, वो उनके लिए बहुत ही जबरदस्त साबित होने वाला है। बिल्कुल जी, मैं तो ये कहूंगा हमारे भाई ही क्यों, जो मेरी बहनें हैं, माताएं हैं, घर पे बैठ के भी वो अपना रोजगार चला सकती जी, जी। अगर एक जगह से दूसरी जगह आप चल के करना चाहते हैं तो ये डीजल वेरियंट आप ले लीजिए, एक ही जगह पे आपने रख के चलाना है तो ये इलेक्ट्रिक मॉडल आपको मिल जाएगा जी जी, घर पे बैठिए अपने बच्चों को भी खिलाइए
खुद का ब्रांड भी बनाइए और अपने घर में अपने जो फाइनेंशियल स्टेटस है उसकी कमाई भी कीजिए और मशीन को कुछ ही महीनों में आप फ्री कर सकते हैं। सर, इस मशीन के चलाने के लिए जो है ये डीजल इंजन है पेट्रोल इंजन है? ये जो मॉडल है इसमें हमने डीजल इंजन लगाया है जी सर। क्योंकि डीजल इंजन इसलिए लगाया है क्योंकि एक तो डीजल इंजन के साथ मशीन को जो चक्कर है रोटेशन है वो प्रॉपर मिल जाती है और उसी रोटेशन के साथ आ गई हीट भी अच्छा हो जाता है जी जी। इसमें फ्यूल खपत क्या रहने वाली सर? सर, अगर इसमें जो फ्यूल खपत की बात करें जैसे कि मैं बताया है आपको 9 HP का एयर कूल डीजल इंजन लगा हुआ है, घंटे का आपका मात्र 600 से लेकर 650 ml फ्यूल कंज्यूम करेगा और प्रति घंटे इसकी अगर आउटपुट कैपेसिटी की बात करें तो ये 20 से लेकर 25 kg जो अनाज आप डालेंगे उसके चिप्स से आपको स्नैक्स बना के देगा। 20 से 25 kg सर, आप लगा के चलो जो नॉर्मल पैकेट आपका आता है 10 या 20 रुपए का पैकेट आता है उसमें हार्डली 10 या 20 ग्राम ही स्नैक्स होते हैं। आप कोई भी पैकेट लीजिए उसपे देखिए बहुत ही हल्का होता है। सर, बहुत हल्का होता है तो आप लगाइए 25 kg से तो मैं गारंटी करता हूँ आपका पूरा कमरा ही भर जाएगा। जी सर जी। अब सेकंड मशीन के बारे में जानकारी कर लेते हैं। सर, देख रहे हैं उस पे वो मोटर लगवा, मोटर कितने एचपी का लगा हुआ है? सर, इसमें जो मोटर लगा हुआ है ये 5 HP का मोटर लगा हुआ है जो कि 3 फेज पे चलेगा, यानी कि इसके आपको कमर्शियल कनेक्शन चाहिए। घरेलू कनेक्शन पे नहीं चलेगा? नहीं चलेगा सर, क्योंकि घरेलू कनेक्शन पे अगर आप चलाएंगे तो फेज प्रॉपर नहीं आएगा जिसकी वजह से आगे से हीट नहीं होगा। जी जी। इसकी आउट कैपेसिटी कितनी रहने वाली है? सर, इसकी भी जो आउटपुट कैपेसिटी है अगर इसकी यूनिट खपत की बात करें तो ये घंटे की आपकी 3 से लेकर 3.5 यूनिट खाएगी और वहीं इसकी जो कैपेसिटी है वो 20 से 25 kg जो आपका अनाज है उसके स्नैक्स आपको बनाते हैं। यानी ये किसानों के लिए बहुत ही वरदान साबित होने वाली मशीन है। सर बिल्कुल जी, आप बहुत कम लागत में, मैं तो ये दावा कर रहा हूँ कि कोई भी अगर आप हिंदुस्तान में अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं जिसमें लाखों की इन्वेस्टमेंट होती है, बहुत भारी भरकम जगह चाहिए होती है, तो दोस्तों ये एक ऐसा बिजनेस आइडिया है जिसमें आप हार्डली 3 फीट बाई 3 फीट की जगह में अपना खुद का मशीन लगा के अपना खुद का ब्रांड बना के और मात्र कुछ 1000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करके सालों साल चलने वाला ये बिजनेस आइडिया आपको देने जा रहा हूँ। तो किसान भाई, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि बहुत ही जबरदस्त तरीके की मशीन है और इस मशीन के थ्रू आप बहुत ही कम पैसे में जो है एक अच्छा खासा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब मैम से जानकारी कर लेते हैं। मैम, इस मशीन की वारंटी गारंटी के बारे में बता दीजिए। छिबर एग्री इक्विपमेंट माना जाता है क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए। हमारे सभी प्रोडक्ट्स पे हम 1 साल की यानी 12 महीने की वारंटी देते हैं। उसके बाद भी अगर किसी को स्पेयर पार्ट की जरूरत है तो आप कॉल कर सकते हैं। कॉल के लिए नंबर स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं, मैं नंबर बोलना चाहूंगी 9855219706। हमारा दूसरा नंबर है 9814231007। आप इस पे कॉल कर सकते हैं और अपनी समस्या बता सकते हैं या फिर ऑर्डर प्लेस करवा सकते हैं। अगर आपको वारंटी पीरियड के बाद भी अगर कोई स्पेयर पार्ट की ज़रूरत है तो आप कॉल करके हमेशा हमारा स्पेयर पार्ट मौजूद रहेगा, कभी भी आप ले सकते हैं। क्या रहने वाले दोनों मशीनों? ये जो मशीन देख रहे हैं इसका प्राइस है मात्र 75,000 और इसको लेने के लिए आपको एडवांस में 20,000 हमारे करंट अकाउंट में करना पड़ेगा। सेकंड मशीन की बात करें तो ये जो मशीन देख रहे हैं इसका प्राइस है मात्र 60,000 और इसके लिए आपको 15,000 एडवांस करवाना पड़ेगा। जैसा कि किसान भाई, आप लोगों ने वीडियो में देखा कि हमने इस मशीन के बारे में सारी जानकारियां जो है कलेक्ट की हैं। अगर इसके बाद भी आपके मन में कोई कंडीशन है, कोई सुझाव या जानकारी लेना चाहते हैं तो ये डिस्प्ले पे दिख रहे नंबर पे आप आसानी से कॉल करके इन सब के बारे में जानकारी ले सकते हैं। किसान भाई, उम्मीद करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो अन्य किसान भाइयों के हित में वीडियो को शेयर करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा, जो ये कीमत आपको बताई गई है दोस्तों, इसी कीमत में आपको इंजन वाला मॉडल लेंगे तो इंजन भी साथ में मिलने वाला है, फ्रेम भी साथ में मिलने वाला है और बेल्ट और पुली भी साथ में मिलने वाली है। कंप्लीट मशीन 16 प्रकार की गायों के साथ में, 16 प्रकार की गायों। और वहीं अगर आप इलेक्ट्रिक मॉडल लेते हैं तो वही फ्रेम, मोटर, पुली, बेल्ट और 16 प्रकार की डाई। मतलब किसान को घर पे ले जाने के बाद पैकेट खोलने के बाद बाहर रख के प्रोडक्शन चालू कर देना। बिल्कुल सर, अगर आप इलेक्ट्रिक मॉडल लेते हैं कोई चीज और खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर डीजल मॉडल लेते हैं तो घर पे जाके अकेला डीजल डाल के मशीन स्टार्ट करना है, वही इलेक्ट्रिक मॉडल लेते हैं तो अकेला इसको तारों जोड़ के आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। सर, आपने हमें और हमारे किसान भाइयों की इतनी बेहतरीन मशीन के बारे में जानकारी दी, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जी।